ब्लॉग बना ब्लॉग बना, शर्माती रहती है हमेशा, बस ऐसा करके हंस नहीं है बस, बोल यार भी नहीं। कोचिंग क्लास होने वाला है। आई स्पीक इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश इन माय इंग्लिश वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियोस गाइस। तो कैसे हो, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और सभी को जय श्री राम दोस्तों। सो गाइस यार आज हम लोग सुबह सुबह रेडी वेडी ओके नहा धो के पूरा जा रहे हैं जगदलपुर, क्योंकि यार आज हम लोग जाने वाले हैं बालाजी तिरुपति मंदिर, जो कि उस टाइम नया बना था, हम लोग अभी तक नहीं गए। तो चलो गाइस आज जाते हैं, और किसके साथ जा रहे हैं आप सभी को तो पता होगा, चलो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, गीतू जी के साथ जा रहे हैं गाइस मंदिर और नागेश बिहारा। तो चलो गाइस सब सीधा चलते हैं जगदलपुर में, मंदिर वगैरह दर्शन वगैरह करेंगे, उसके बाद घूमेंगे आसपास। चलो अभी जाते हैं जल्दी, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं फाइनली नहा धो के पूरा रेडी वेडी हो चुका हूँ। तो चलो गाइस सब सीधा चलते हैं जगदलपुर में, और उसके बाद दर्शन वगैरह करेंगे और आप सभी से मिलते हैं बाद में। तो चलो और रील वील वगैरह सब कुछ बनाएंगे। तो सो गाइस सब फाइनली रेडी वेडी हो चुके हैं, तो गाइस अब चलते हैं गाइस। और आज हम लोग जा रहे हैं अपना FZ पे, जो कि अपने भाई का है। तो चलो गाइस सब चलते हैं सीधा, नागेश शिव मंदिर पास वेट कर रहा है। तो चलो वीडियो अपना अपलोड कर देते हैं पास, और अभी निकल जाएंगे, अभी बज रहा है 8:30। तो सो गाइस यार अब हो रहा है इन दोनों का परिक्रमा। सो गाइस यार हम दोनों ने अभी पूजा वगैरह कर लिया है, अभी हम लोग मंदिर का परिक्रमा कर रहे हैं, और नागेश अपना वीडियो बना रहा है, मेरे बार बार चिड़ा चिड़ा के, इसलिए मैं नागेश को कुछ कुछ सुना सुनाती हूँ। और अभी अपना परिक्रमा कंप्लीट होने वाला है, परिक्रमा अपना कंप्लीट हो जाता है, मतलब मैं मस्ती में पूरा परिक्रमा कंप्लीट कर देता हूँ राम नाम लेके, बाकी अपना परिक्रमा कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस अब फाइनली हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए, अभी हम लोग ना प्रसाद खा रहे हैं गाइस। तो आप लोग को भी आना चाहिए इस मंदिर में जगदलपुर से, देख रहे हो कितना मस्त, मतलब ना पूरा इतना बड़ा आंगन सा है, बाकी इन लोग यहाँ पे बैठे क्या सोच रहे हैं। मैं कुछ नहीं है। कैसे लग रहे हैं आके? बहुत अच्छे। बोले तू जय श्री राम। जय श्री राम। तू क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ वही हाथी को। हाथी हाथी को? हाँ हाथी, क्या हुआ? हाथी देखा, हाथी नहीं चल रहा है, रियल हाथी होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्या डरता है क्या? नहीं और अच्छा। तो चलो गाइस अभी ना हम लोग प्रसाद वगैरह सब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करेंगे, कुछ सिनेमेटिक शॉट वगैरह निकालेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और उसके बाद कहाँ जाने को बनता है पता नहीं। तो फिलहाल अच्छा लगा यार यहाँ के, आप भी आ सकते हो अगर जगदलपुर के कोई भी आसपास हो, या फिर मेरे गाँव से हो, या फिर मेरे गाँव के आसपास की हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर लोग हो। तो चलो अब फिलहाल प्रसाद खाते हैं, आप सभी से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, चलो ब्लॉग में बने रहना। मंदिर में आए हुए हैं तो धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, और इसको बोल रहा हूँ कि ब्लॉग बना ब्लॉग बना, शर्माती रहती है हमेशा, बस ऐसा करके हंस नहीं है बस, बोल यार हंस लेना, तेरी हंसी पे तो हम फिदा है और क्या कर सकते। गाइस यार सब बोल रहे थे, कुछ कुछ बंदे बोल रहे थे कि भाभी को भी ब्लॉग बनाना सिखाओ करके, यार ऐसा ऑडियंस बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे ना, यहाँ पे राम जी है, राम जी का फोटो है, यहाँ पे भगवान श्री राम का अभी जो हुआ है ना अयोध्या में वाला, वो वाला फोटो है, और यहाँ पे अपने माखन चोर कृष्ण भगवान है, बाकी नीचे नीचे भी बहुत सारा तस्वीर वगैरह बनाया गया है, देख रहे हो पूरा, और इतना बड़ा सा आंगन है, और यहाँ पे ना हवन वगैरह करने के लिए, जैसे कि कुछ कुछ होते रहता है ना बीच बीच में, और अभी यहाँ पे ना कलश यात्रा हुआ था, हम लोग नहीं आए थे, और बाकी देख रहे हो मंदिर ना कितना सुंदर है, मतलब ना ये वाला मंदिर ना आपको ज़्यादातर ना साउथ इलाके में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि विशाखापट्टनम हो गया, मतलब ना तमिलनाडु वगैरह साइड में, और ना मंदिर के अंदर वीडियो बनाना बहुत मतलब मना है, और बाकी सामने इतना बड़ा गेट है जो कि मंदिर ही लगता है, मेन मंदिर जो गेट है, और मेन मंदिर ये वाला। तो गाइस यार आप सभी को मैं ना मंदिर का पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ गाइस, मतलब ना इधर भी है यार, मतलब ना मैं वहाँ पे हम लोग इतना घूम चुके हैं, बाकी ना अभी थोड़ा देर यहाँ पे बैठे थे, और इधर भी बना हुआ है लोगों के लिए बैठने के लिए, बाकी देख रहा हूँ अंदर बहुत सारे पब्लिक है यहाँ पे, बाकी देख रहे हो कितना सुंदर है मंदिर, यहाँ पे आप लोग फोटो शूट वगैरह करवा सकते हो, बढ़िया है। और इधर भी है भगवान तिरुपति का मूर्ति वगैरह, देख रहा हूँ यहाँ पे एक रथ खड़ा हुआ है। तो चलो बस इसके अंदर जाते हैं, यहाँ से आप सभी को दिखाता हूँ गाइस, कितना मस्त है यार सच्ची में, यहाँ के ना एक अलग सा सुकून है, मतलब ना ठंडा ठंडा यार, बाकी ना एक रथ के शेप में मंदिर को बनाया गया है ना, देख रहे हो कितना बढ़िया दिख रहा है गाइस, यार यहाँ आके ना बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब ना बस एक ही दिक्कत हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर में देख रहे हो पूरा विराजमान है अपने श्री नारायण, ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायण बोल चल।
सर हम लोग ना यहाँ पे कम से कम ना 2 या 3 घंटा हो चुके हैं यहाँ पे ना, सुबह 8 बजे से यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रखा है, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं चाव में तो अच्छा लग रहा है, पे रहे ऐसा लग रहा है। और क्या बोलना चाहेगी? अब बहुत अच्छे लग रहे हो आज। झूठ मैं क्यों शर्मा रहा हूँ भाई, लड़की लोग टाइप का हट, हमेशा वैसी होते रहता हूँ मैं, जिसको शर्मा रहे हो वही ना, मैं काहे शर्मा हूँ, मैं नहीं शर्मा हुआ। सो कब ब्लॉग बना रही है, ऑडियंस पूछ रहे थे, बता ब्लॉग चाहिए तेरा कि तू कैसे बोला, बोल के देख। हेलो गाइस, बोल। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा अभी कोचिंग का क्लास होने वाला है 1 बजे बाद। मेरा कोचिंग का क्लास होने वाला है। आई स्पीक इंग्लिश, आई एम स्पीक इंग्लिश, इन माय इंग्लिश इज टेढ़ा पेढ़ा इंग्लिश। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। यू आर सो ब्यूटीफुल, your smile is so beautiful, your smile touch my heart, ऐसी बोलते हैं ना। सीख रहा हूँ यार, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई लोग, यार मेरे को इंग्लिश सीखना है यार, क्योंकि यार इंग्लिश में प्रपोज करने से लड़कियाँ इंप्रेस हो जाती हैं। तो आप नहीं, ऐसा नहीं है, बस दिल अच्छा होना चाहिए, हाँ, कोई भी इंप्रेस हो जाए। सही बात है। बाकी नागेश बेचारा फोटो शूट में लगा पड़ा है, भाई लोग आए हुए हैं वहाँ पे, देख रहे हो? भाई लोग नहीं, मेरे फ्रेंड लोग हैं यार, यार इनके मेरे फ्रेंड लोग हैं, मेरे से मिलने आए हैं। तो मेरे भाई लोग हुए ना? हाँ, मेरे लिए घर से कुछ कुछ बना के लाई है, हमेशा लाती है, रोज लाती, मतलब वही सोच रही है सुबह से, भगवान। हाँ यार, रोज जो बना के लाती है, रोज मैं खाती हूँ। देख मैं निकालना दिखा, गाइस अकेले खाएगी या नहीं दे रही है, देख रहे हो? नहीं, अकेले तो नहीं खाऊंगी, सबके साथ खाऊंगी, लेकिन वो मेरे लिए रोज लाती है यार, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, अच्छे से खाना पीना नहीं खा पाती हूँ, इसलिए। बहुत अच्छी दोस्त बनी है, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो, लक्ष्मी जी, जिनका नाम है लक्ष्मी रानी, लक्ष्मी रानी भाई, रानी लक्ष्मी भाई, सॉरी रानी लक्ष्मी भाई। भाई सर, इन लोग ना एक ही कोचिंग में पढ़ते है ना वो दोस्त लोग, तो सभी सभी मिलजुल के रहते हैं बढ़िया से, इसलिए ना सभी सभी नहीं, हम तीन लोग सबसे अच्छे रहते हैं, हम अच्छा गया, फिर हम लोग बीच में क्या बोलते हैं, दाल में कुछ काला है, वही काला मैं हूँ। सो अब कहाँ जाने का प्लान है? सो अभी हम तो जाएंगे मंदिर, और मेरे फ्रेंड बुलाए हैं, उनके घर में पूजा वूजा है, तो और कितना मंदिर जाएगी, और एक मतलब उनके घर में पूजा, उनके घर में पूजा वगैरह करते हैं ना, उसी चक्कर में जाएगी, उनके घर में इनवाइट किया है, तो सो मतलब हम लोग ना यहाँ पे पूजा कर लिया आज, और वहाँ पे जाएंगे, और मेरा प्लान था दंतेवाड़ा जाने का, देखते हैं क्या सीन रहता है, अगर होगा तो जाएंगे, शायद जा पाएंगे यार, क्योंकि हमारे घर में गृह प्रवेश है, तो फिर नहीं जा पाऊंगी, बोलने वाला था मैं यार, तो हम अभी तो नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, देखते हैं, एक ही दिन तो जाने होता है, जाके आ जाएंगे, इतना भी क्या, मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद जाएंगे। ओके, एग्जाम कब खत्म होगा? 2 महीने। एग्जाम तो जिंदगी का हमेशा चलते ही रहता है यार, परीक्षा तो हम दे ही रहे हैं, जिंदगी हमारा एग्जाम तो हमेशा लेती रहती है, अब वो कर रही है यार, ये थोड़े वो है ना, ज्यादा बक 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 करते हैं, कौन भी ज्यादा बक 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 बक, मैं गाइस मैं बोला ना एग्जाम के बारे में तो चुप हो गए, क्योंकि मैं सही बात बोला ना इसलिए चुप हो गई, गलत बोलता ना फिर बोलती ये करके। मैं ये बोलने वाली थी कि मैं आप सबको कैसे लगी? बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, सब भाभी भाभी बोल के कमेंट कर रहे हैं, भैया भाभी की जोड़ी एक नंबर है, हमेशा खुश रहो, ऐसा बोल रहे थे, ऑडियंस बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा दिख रही है। थैंक यू, बनूंगी यार कभी ना कभी, हाँ, किसी ना किसी की तो वाइफ बनूंगी, तो किसी ना किसी की, ऐसा थोड़ी ना होता यार, समझने वाले समझ गए, किसी ना किसी की नहीं, विसारे समझ रहे हो ना, इनका तारीफ मत करना, सिर्फ मेरा तारीफ करना प्लीज। ओके यार, भर भर के कमेंट आना चाहिए, भर भर के कमेंट करो गाइस, गीतू गीतू लिखना और लव लिखना, उसके साइड में सिवा लिखना, ठीक है? चलो आप लोग का टारगेट दे दिया, कम से कम 200 कमेंट, 200 नहीं 100 कमेंट कर दो, बहुत है, चलो ठीक है ना। तो गाइस सर, फाइनली हम लोग मंदिर से दर्शन वगैरह करके निकल चुके हैं, और देख रहे हो सामने भगवान का मूर्ति, आप जस्ट सामने घुसोगे ना आपको दर्शन करने को मिल जाएगा, और इनसे मिले, इनका नाम है लक्ष्मी जी, जिनके नारायण आपके नारायण कहाँ गया, हाँ वही बोलने वाला था मैं भी, और ये जिनके भी लाइफ में जाएगी ना, मतलब किसी के साथ, तो वो बेचारा धन धान से खुश नसीब होगा यार, ऐसा बोल दे, हाँ खुश नसीब होगा, अमीर हो जाएगा। थैंक यू, शर्मा रही है यार, चलो कोई ना, बाद में मिलते रहेंगे ना, तो आएंगे हम, तो है ही नहीं कुछ यार, ये दोनों दोस्त है ना, ये आज मिला ही ना, हाँ ये दोनों गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दोनों गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो
हम बेस्ट फ्रेंड हैं, हम बेस्ट फ्रेंड गाइस। इन लोग ना इंग्लिश क्लास जाते हैं, यू नो इंग्लिश, बेइज्जती मैं नहीं कर रहा हूँ यार, तो मैं इंग्लिश में कुछ पूछना चाहेगा इनसे। पूछ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू विनय यार, सॉरी बट नहीं दे सकते, सॉरी बट नहीं दे सकते, आधे इंग्लिश आधे वर्ड नहीं मांग रहा हूँ मैं, जवाब हाँ जवाब। आज हम मंदिर आए, चलो इसका ट्रांसलेट कर। यार देखो इन लोग नहीं जानते इसे ना, घुमा घुमा के यार बेइज्जती होगा। तुम लोग कोचिंग जा रहे हो, एक साल हो गया, कितना दिन होगा कोचिंग करते हैं? मेरा एक महीना हो गया। इसका कितना हुआ? बहुत इंग्लिश जानती है यार। एक बात बताऊं? हाँ भाई, मैं कल रात को आसमान में तारा देखा था, पता है? आसमान में तारा, आसमान नहीं, आसमान में तारा तो नहीं दिखाई दिया, चांद दिखे दिया। पता चल रहा है कि ये तारा मैं छिपा के रखी है। अरे यहाँ लटका हुआ यार, कहाँ दिखेगा? सही बात।